गुरुजी मुझे पास कर दीजिए, मेरी शादी नहीं होगी। गुरुजी मुझे इंग्लिश नहीं आती, प्लीज मुझे पास कर दीजिए। कुछ इसी तरह की बातें यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में देखने को मिली है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा 2019 की बड़ी खबर निकल के आ रही है रिजल्ट से पहले। और कॉपी में बिल्कुल बच्चे साफ लिख रहे हैं, सर जी पास कर दो वरना मेरे घर वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही ज्यादा मुझे डांटेंगे। कॉपी में उत्तर के स्थान पर घर की बातें लिखी जा रही हैं। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में उत्तरों से ज्यादा घर की बातें लिखी जा रही हैं। तो आपका जानना बहुत जरूरी है। और ये कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये बातें सही है कि आप ऐसा कर रहे हैं? तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इस तरह आपको कोई भी नंबर नहीं देगा। अगर आप जायज उत्तर लिखते हैं तो आपको 100% नंबर मिलेंगे। अगर आप घर की बातें लिखते हैं तो उस पर शायद ही कोई टीचर नंबर देने के लिए तैयार होगा। तो भैया हो क्या रहा है, जब से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं खत्म हुई हैं तो कॉपी जांची जा रही है। कॉपी जांची जाएंगी तो आपको नंबर मिलेंगे, नंबर मिलेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। तो भैया हो क्या रहा है कि कोई ना कोई ऐसा बच्चा, कोई ना कोई ऐसी कॉपी मिल रही है कि जिसमें ऐसी बातें लिख रही है, सर जी हमें पास कर दो वरना मेरी शादी नहीं होगी या कुछ भी एक्स वाई जेड। तो इसी खबर के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 यूपी बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन मतलब चेक इन चल रही है में बहुत सी अजीब चीजें देखने को मिल रही है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुई परीक्षाओं में कई छात्र ने परीक्षक के लिए मार्मिक अपील तक कर डाली। एक छात्रा ने गुरुजी को पास करने की पुरजोर अपील की, बोली कि लड़के इंटर पास बहुत चाहते हैं। इस अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान एक कॉपी ऐसी आई जिसे पढ़ने के बाद कुछ देर के लिए महिला परीक्षक भी सोच में पड़ गई, महिला शिक्षक भी सोच में पड़ गईं। शिक्षिका की माने तो अंग्रेजी की कॉपी में छात्रा ने हिंदी में मार्मिक अपील लिखी। कॉपी के अंतिम पेज पर लिखा था कि सर जी पास कर देना, लड़के वाले इंटर पास बहुत चाहते हैं, फेल होने पर शादी रुक जाएगी। ठीक है, तो ये खबर थी और इसकी आपको कॉपी दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से है, ये पूरा ब्लर हो रहा है क्योंकि भैया फोटो वायरल हो जाती है। एक बार खींचने के बाद हर किसी के पास स्मार्टफोन है। आपको ये खबर कैसी लगी, एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल पर नहीं है तो जल्दी से एक बेल आइकन और दबा देना। और एक बात और बताना, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या ये बात सही है कि हम उन टीचरों से अपील करें पास करने की, या फिर अपनी मेहनत के दम पर पास होकर अच्छे नंबर लाएं। तो जरूर से अपनी राय दें। जय हिंद, वंदे मातरम।